अस्सलाम वालेकुम फोर्थ क्लास, टुडे इज़ द लेक्चर नंबर 17 एंड पेज नंबर 7। आज करेंगे हम पेज नंबर 7 की रीडिंग और इसकी एक्टिविटी। ये सारी फिलिंग लाइन हम पहले भी अपनी कॉपी वर्क में कर चुके हैं, आज हम इसकी रिवीजन करेंगे। सबसे पहले है द राइट आर्ट्रियम इज द चैम्बर इन द टॉप राइट साइड ऑफ द हार्ट। हमने हार्ट की तरफ स्टडी की थी, हमने ये बात की थी कि ऊपर वाली साइड पर पहले आर्ट्रियम आता है और नीचे वाली साइड पे आता है वेंट्रिकल। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ऊपर वाली साइड पे है आर्ट्रियम और नीचे वाली साइड पे है वेंट्रिकल। अब बात करते हैं ब्लड की। द ब्लड विद ऑक्सीजन इज सेंट अराउंड द बॉडी। हार्ट के टॉपिक में हमने ये भी पढ़ा था कि वो वाला ब्लड जिसमें ऑक्सीजन होती है उसे हम अपनी बॉडी में भेज देते हैं। जो हमारा हार्ट है वो उसे बॉडी में भेज देता है। उसके बाद आता है द लेफ्ट वेंट्रिकल इज द चैम्बर इन द बॉटम लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। हमने फिर ये भी पढ़ा कि हमारे जो लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे आता है राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट साइड पे आता है लेफ्ट आर्ट्रियम, लेकिन ऊपर वाली साइड पे आता है आर्ट्रियम और नीचे वाली साइड पे आता है वेंट्रिकल। और यहाँ लिखा है इन द बॉटम लेफ्ट साइड, यानी लेफ्ट साइड के नीचे वाली तरफ। आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे नीचे की तरफ वेंट्रिकल है, तो इसका आंसर है राइट वेंट्रिकल। अब हम बात करते हैं योर हार्ट बीट्स अबाउट 37 मिलियन टाइम्स अ ईयर। हमने बात की थी कि हमारा जो हार्ट है वो बीट करता है एक साल के अंदर 37 मिलियन टाइम्स। द ब्लड विदाउट ऑक्सीजन इज सेंट टू द लंग्स। ये भी हमने स्टडी किया था कि वो वाला ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती उसको लंग्स में भेज दिया जाता है। The heart job is to pump blood around your body। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि जो हमारा ह्यूमन हार्ट है वो हमारे ब्लड को पम्प करता है हमारी पूरी बॉडी। उसके बाद है हमारी एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में हमें कॉलम्स और ब्लॉक दिए गए हैं, हमने इन कॉलम्स को और इन लाइन्स को फिल करना है हमारी ये फिलिंग ब्लैंक के थ्रू। सबसे पहले आता है फिलिंग ब्लैंक नंबर 1, आपने यहाँ से देखना है यहाँ 1 आ रहा है जिसका आंसर है वेंट्रिकल। आपने वेंट्रिकल को इस तरह लिख देना है। उसके बाद है 2 में योर हार्ट बीट अबाउट 37 मिलियन टाइम्स, इसका आंसर था बीट। आप 2 में देखें, 2 में भी आपने बीट्स लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आता है 3 वाला, 3 में आता है लंग्स, इस कॉलम में आपने लंग्स लिख देना है। उसके बाद आता है 5 वाला, 5 वाले में आता है ब्लड, आपने यहाँ से देखना है कि 5 वाला कौन सा है। यहाँ आपने यहाँ लिख देना है ब्लड, इनके स्पेलिंग ऐसे ही लिखने हैं जैसे यहाँ लिखे हुए हैं। उसके बाद आ जाते हैं ऊपर वाले 4 एंड 6, 4 में आता है आर्ट्रियम, फिर आपने यहाँ देखना है कि 4 वाली लाइन कौन सी है। आप देख सकते हैं 4 वाली लाइन इस तरफ को जा रही है। बीट के अंदर ऑलरेडी ए आया है, आपने दोबारा ए को नहीं लिखना, और आर भी आ चुका है, यू भी आ चुका है, आपने सिर्फ टी और आई और एम को लिखना है। उसके बाद हम बात करते हैं 6 वाले की, उसमें आता है ऑक्सीजन। अब आप देखें 6 वाला यहाँ आता है ब्लड में, चूँकि ओ आ चुका है इसलिए आपने दोबारा ओ को नहीं लिखना, आपने ऑक्सीजन के बाकी स्पेलिंग्स को यहाँ तक लिखना है। स्टूडेंट मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, इसका क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 7 का टेस्ट होगा। टेस्ट इस तरह से होगा कि आप लोगों ने मुझे अपने बुक की पिक्चर को शेयर करना है सॉल्व करके। आपने इस पूरी एक्टिविटी को सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है और मुझे पिक्चर सेंड करनी है, यही आपका टेस्ट होगा।